माइनिंग माफियाओं पर अब अंकुश लगाने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ा फैसला किया गया है। माइनिंग के जो भी क्षेत्र होंगे वहां सैटेलाइट इमेजिनरी का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि माइनिंग का पता लगाया जा सके कि कितने क्षेत्र के अंदर वैध माइनिंग हो रही है और खनन माफिया किस क्षेत्र के अंदर पनप रहा है। साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरा लगाने को लेकर के भी हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने माइनिंग की राज्य स्तरीय टास्क फोर्स को निर्देश दिए हैं। ओवरलोड वाहनों के चालान करने के निर्देश भी यहां पर दिए गए हैं। सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि माइनिंग से संबंधित अब जो भी वाहन चलेंगे, एक और जहां उनमें जीपीएस होंगे सीसीटीवी की, वो निगरानी में होंगी और जिस क्षेत्र के अंदर माइनिंग हो रही होगी वहां सैटेलाइट इमेजिनरी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके चलते ये कहा जा सकता है कि अब माइनिंग माफियाओं पर बड़ा अंकुश लगाने का काम तीसरी आंख के जरिए और दूसरी तरफ सख्ती के जरिए करने का फैसला सरकार की तरफ से किया गया है। कई मामलों में हमने देखा कि जब पुलिस विभाग की तरफ से एक पूरी टीम माइनिंग माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए जाती है तो वो बिल्कुल बेखौफ होकर उन पर भी हमला कर देते हैं। मेवात के अंदर हमने देखा कि एक डीएसपी की हत्या तक इसी प्रकार से कर दी गई थी। खनन माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला किया गया है। चंडीगढ़ से कैमरामैन ललित के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।